Hello friends, namaste. I'm Ragini and today I'm going to teach you very nice beautiful flowers. And first of all, I'm going to explain what things we'll be needing for making these flowers, okay? So, सबसे पहले आपको मैं ये दिखा रही हूँ, ये golden wires, ये बहुत easily market पे available होती है. ये wire आप देखेंगे, इसको ये कैसे भी मुड़ जाती है, इसको सीधा कर दीजिए, इसको आप इस तरह से भी किसी भी तरह से इस शेप में आप इसको ले सकते हैं. देन अगेन इट कैन बी स्ट्रेट. ओके, देन द सेकेंड थिंग इज जिससे आपके पेटल्स बनेंगे, ये स्टॉकिंग्स. ओके, या स्टॉकिंग्स नॉट सॉक्स वन, दिस इज दीज काइंड ऑफ. ओके, सो आप ये देखेंगे इस तरह की ये सारे स्टॉकिंग्स है, डिफरेंट डिफरेंट कलर में मैं लाई हूं. सो ये देखिए आप, आपको कोई भी जहां पर आपको फ्लावर मेकिंग का सामान आप देखना चाहेंगे वहां आपको इजीली अवेलेबल होंगे. मैंने काफी कलर्स के लिए है, अगर आप डिफरेंट पेटल्स जो है डिफरेंट कलर के फूल बनाना चाहते हैं उनके लिए अलग अलग पेटल्स बना के इसके आप अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं. ओके, इसके बाद आपको चाहिए पॉलेंस, ये देखिए. तो ये जिस आपको जैसा आपने फूल बनाया है उसके कलर कंट्रास्ट के साथ ये जाएंगे. ये इस तरह से आपको एक बंच टाइप का मिलेगा, बीच में इसको आप खोल के या इसको बीच में से आप कितने भी, हाँ इतने जितना आपको पॉलिन बीच में लगाने हैं फ्लावर के आप लेके उसको कट करके अभी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप इसको लगाएंगे. ओके, सो वी हैव डिफरेंट शेड्स, यू कैन सी हियर गोल्डन आई हैव एंड येलो एंड मरून, लॉट्स ऑफ आई हैव टेकन. सो वन मोर ग्रीन जो टेप है ये क्लॉथ टेप है. ओके, नॉट दैट प्लास्टिक वन. तो ये आपकी ये वाली टेप मैंने ले रखी है, जब भी मैं फ्लावर बनाऊंगी देन यू कैन सी. एंड ऑब्वियसली वन सीजर एंड एक आपको धागे की जरूरत पड़ेगी जिससे आप पेटल्स को बांधेंगे. तो आप चाहे जिस कलर का आप फ्लावर बना रहे हैं वैसा ही धागा आप यूज कर सकते हैं. आई हैव टेकन टू, वन पिंक वन व्हाइट. सो हियर आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू मेक पेटल्स. देखिए आप, बहुत ईजी है, आप बहुत ईजिली एक दिन में आप बहुत सारे फ्लावर्स बना सकते हैं. इसको इस तरह से लिया मैंने, इसको हल्का सा ये शेप दिया, इसको यहां से आप इस तरह से घुमा दीजिए. इसकी शेप आप बाद में भी दे सकते हैं, इसलिए शेप के लिए आप परेशान नहीं होंगे. ओके, यहां से मैंने इसको काट दिया, ये बलून वाली शेप में मैंने इसे बना दिया है, आप देखिए. अब मैं स्टॉकिंग ले रही हूं, मैंने ऑरेंज एंड व्हाइट कलर की स्टॉकिंग चूज करी है. इसको स्टॉकिंग को आप जितना भी खींच सकते हैं आराम से खींच के इसमें फिट करेंगे. ओके, इसको मैंने यहां से लिया एक कॉर्नर इसका, नीचे से इसमें लगाया और इस तरह से इसको कवर कर दिया. आप देखेंगे ये अपने आप खींच के पूरा एक शेप ले लेगा और आप देख सकते हैं अंदर से पूरी गोल्डन वायर जो है बहुत सुंदर जो है चमक रही है, ये देखिए आप. और इसको यहां से खींच के पूरा अच्छे से इसको मैंने पकड़ लिया. अब इसमें मैं व्हाइट वाला धागा यहां से ले रही हूं, इस थ्रेड को अच्छे से हम बांध देंगे, जितना टाइट से आप इसे बांध सकते हैं उतना अच्छा है. ये देखिए पूरी एक शेप पेटल की बन गई है. नीचे आप परेशान ना हो कि कैसा भी गंदा हो रहा है या अनटाइडी है उसके लिए, क्योंकि बाकी जो बचा है वो हमारा दोबारा यूज हो जाएगा. और इसको हम इस तरह से बांध देंगे, ये मेरा एक पेटल बनके तैयार हो गया. और अब इसका जो एक्स्ट्रा स्टॉकिंग का मटेरियल है ये हम पूरा इसमें से निकाल देंगे. ये नीचे का आप परेशान नहीं हो, इसको ऐसे ही रखेंगे क्योंकि ये जब हम पूरा फ्लावर बनाएंगे तो वो अपने आप उसका नीचे की डंडी में लगाने के लिए वो हेल्प करेगा. तो इस तरह से ये पेटल्स आपको मैं एक बार और बना के दिखा देती हूँ. इसमें मैं कॉम्बिनेशन में बना रही हूं, एक मैंने येलो लिया था, सॉरी ऑरेंज लिया था, और शेडिंग में एक मैं प्लेन व्हाइट ले रही हूं. अगेन यही सेम तरीके से मैं जो है फिर से आपको एक बार से दिखा देती हूँ, आप लोग आराम से देखिए. वही करा हमने, इसको शेप दी, कहीं पे भी आपकी वायर अगर थोड़ी टेढ़ी मिली है इस तरह से करेंगे पूरी एक शेप में आ जाएगी वो. इसको ऐसे घुमाएंगे, इस पे स्टॉकिंग लगाई,
ये देखिए व्हाइट कलर में देखिए गोल्डन वायर कितनी सुंदर निखर के आ रही है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर जो है कॉम्बिनेशन व्हाइट और गोल्डन का हमें यहाँ पर मिल रहा है। इस तरह से इसको मैंने घुमा दिया, इस पे धागा बांधेंगे और नीचे से कट कर देंगे। एक और मेरा पेटल बनकर तैयार हो गया है, बहुत सुंदर गोल्डन और व्हाइट। इस तरह से दो व्हाइट और बनाऊंगी, ऑलरेडी मैंने तीन ऑरेंज बनाए हुए थे जिसमें मैंने एक और व्हाइट बना दिया है और एक और मैं बना रही हूं। अब आप देखें इसको, तो फ्रेंड्स आप देखेंगे यहां मैंने तीन व्हाइट पेटल्स और तीन ऑरेंज पेटल्स बना लिए। अब हम इनको साथ में जोड़कर फ्लावर बनाएंगे। इसमें बीच में हम ये जो मैंने आपको दिखाया था, मैंने थोड़ा कंट्रास्ट में मैरून वाला शेड लिया है, ये देखिए इसको मैं इस तरह से लेके बीच में पकड़ लूंगी और साथ में इसके पेटल्स लगाती रहूंगी। यहां पर अपनी फिंगर में इस तरह से अटका लिया और इसको साथ साथ में पेटल्स को बांधती रहूंगी। दो बार मैंने ऐसे घुमाया, एक व्हाइट पेटल एक ऑरेंज पेटल, इस तरह से। फिर मैंने इसमें ग्राउंड और अगेन व्हाइट, आप देख सकते हैं इस तरह से मैं जो है लगा रही हूं। बस दो बार आपको इसे इसके चारों तरफ घुमाना है, एक ऑरेंज एक व्हाइट, अगेन ऑरेंज। एंड देन अगेन व्हाइट। एंड देन लास्ट वन अगेन ऑरेंज। मैंने इसको अच्छे से यहां पर नीचे बांध लिया। अब आप देखेंगे इसकी हम शेप चाहे आपको जैसी भी देनी हो, आप आराम से, ये देखिए कितना सुंदर पेटल ये फ्लावर बन गया है। इसमें आप इसको शेप, अगर आप इसको इस तरह से नीचे मोड़ने वाली देना चाहते हैं, आप ऐसे शेप किसी भी तरह की आप इसको दे सकते हैं। आप इसको पॉइंटेड बनाना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से शेप भी दे सकते हैं। ये देखिए, दिस डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ शेप यू वॉन्ट योर फ्लावर, सो लाइक दिस यू कैन मेक इट। ओके, तरह से आपका ये फ्लावर रेडी है। सो मैं अभी इसकी राउंड शेप ही रख रही हूं, इसलिए मैं अगेन उसको राउंड शेप में कर रही हूं। ये आपका फ्लावर पूरा बनके तैयार हो गया है। इसमें नीचे आपको जो ग्रीन पार्ट फ्लावर का दिखाना है, उसके लिए मैंने ये ग्रीन कपड़े वाली टेप ली है। इसको मैं यहां से इसको लगाना स्टार्ट करूंगी, ये पूरा इसको कवर कर लेगा। एंड यू कैन सी मैं किस तरह से इस पर पूरा टेप यहां से लगा रही हूं, पकता रहेगा। और साथ में ही आप आपके पास जो भी स्टिक हो आप वो लगा सकते हैं, आप कोई डंडी भी ले सकते हैं। मैं ये गोल्डन वाली स्टिक ही ले रही हूं, मैंने काट के ले रखी है यहां पर। मैं पूरा नीचे तक कवर कर दूंगी ताकि ये ग्रीन डंडी की जो है वो आपको लुक देगा इस तरह से।
और अगर आपको इसकी लीड्स बनानी है तो आप लीड भी जो है इसी से बना सकते हैं. एंड इट इज वेरी इजी, यू कैन सी. इस तरह से ये हमारी डंडी भी बन गई. तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना ही ब्यूटीफुल फ्लावर. इट इज रेडी हियर. दिस इज लुकिंग लाइक जैसे आप बाजार से लेते हैं. बहुत सुंदर फ्लावर हमारा बनके तैयार हो गया है. और ऐसे बहुत सारे फ्लावर बना के आप पूरा एक जो है बुके तैयार कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.